हाय एवरीवन। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत साड़ी, और मैं इसको पार्टी वेयर स्टाइल में आपको ड्रेप करना बताऊँगी। पहले तो आप साड़ी देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। हाफ ये नेट में है और हाफ ये सिल्क में है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, तो मैंने सोचा आज इसी को लेके वीडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि आप पार्टी में जो, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो पार्टी में जो इस तरह से साड़ी पहनेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है, मैं पूरा खोल के दिखा रही थी कितनी खूबसूरत साड़ी है। तो जो नेक का साइड है वो पल्लू का है और ये पीछे का साइड है, और इधर से ही हम अपनी साड़ी पहनना स्टार्ट करेंगे। तो साड़ी राइट साइड से पहनना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत साड़ी लगी मुझे, ये मेरी मम्मी की साड़ी थी तो मैंने सोचा आज इसी को ट्राई करते हैं। तो राइट साइड से मैंने टक करना स्टार्ट कर दिया है, और इसे टाइटली आप लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे। जब वो टाइट रहता है, कोई भी क्रिच नहीं रहती है, तो जो आपकी साड़ी का शेप है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप टकिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई भी फ्रिल ना छूट जाए, टाइटली टक हो। और इस तरीके से मैं आगे से पूरा पीछे तक टक करके इस तरफ ले आ रही हूँ। बस इसके बाद हमें नहीं करना है अंदर, उसके बाद हमें बनाना है प्लेट्स। तो पहले तो पल्लू डिसाइड कर लीजिए कि आपका पल्लू कितना बड़ा रहेगा। और मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ और टिप देती हूँ आपको कि अगर आपका पल्लू जितना बड़ा रहता है आप उतनी ही स्लिम और लंबी लगेंगी। तो साड़ी जब पहनते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और आगे की प्लेट्स बनाने से पहले आप पल्लू की प्लेट्स, अगर प्लेट्स बनाना चाहते तो पल्लू की प्लेट्स बना लीजिए और साइज़ आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग पार्टी के लिए पहनने वाले हैं तो ये साड़ी भी उसी तरीके से, इसमें पल्लू को प्लेट्स नहीं बनाएंगे। फ्री आंचल लेना है तो इसलिए मैं पहले से बस इस तरह से कर लिया, और एक साइड लेके हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे जो हमारा आंचल है। तो यहाँ पे कमर का शेप बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं बता रही हूँ कैसे बनेगा, आप हिप्स की प्लेट्स ही बना सकते हैं बहुत ईजीली। और देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है, जो साड़ी का जो डबल कलर है और जो डबल मटेरियल है वो भी दिख रहा है। तो यहाँ मैंने ऊपर ले लिया और थोड़ा सा फैब्रिक नीचे से लेके ऊपर कर लिया, तो हिप्स की प्लेट्स बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे इसको भी टक कर लिया है। अब शेप आप देख लीजिए, और अब आती है बारी आगे की। तो आगे जो प्लेट्स बनानी है वो राइट साइड से स्टार्ट करिएगा, ध्यान रहे। और जो पहली प्लेट वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, और उसके बाद आप इस तरीके से प्लेट्स बना सकते हैं। अगर आप बहुत बिगिनर हैं या पहली बार बना रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी प्लेट्स बनाइए, आपको 3-4 बार में आदत पड़ जाएगी कि किस तरह से प्लेट्स बनानी है। बस ये ध्यान दें कि प्लेट्स बनाना राइट साइड से स्टार्ट करिए। तो ये मैं ऐसे झटक ले रही हूँ और थोड़ा सा नीचे भी कर ले रही हूँ, जिसलिए कि ऊपर से नीचे तक एकदम अच्छे से प्लेट्स बनी रहे। और बस इसके बाद हमको इसको टक कर लेना है। और यहाँ पे बगल में राइट साइड में थोड़ा सा फैब्रिक छूट जाता है, जो उसे हम खींच के पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे की तरफ उसको टक करेंगे, और वो आ जाता है फिर उसके बाद पल्लू के नीचे, तो वो दिखता नहीं है। तो इस तरफ मैंने इसको टक कर लिया है, और ये आगे का पार्ट हो चुका है। और जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर है वो आप सही कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छा आगे के जो प्लेट्स है वो बन चुके हैं। अब आती है बारी पल्लू की, तो हमको उसमें प्लेट्स बनाना नहीं है, फ्री आंचल लेना है इस तरीके से। उसके बाद मैं चेंज करती हूँ ब्लाउज़। तो ये मेरा इसका ब्लाउज़ है। तो कैसा लग रहा है पूरा लुक, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और साड़ी देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्री आंचल लेके। थोड़ा सा मैं इसमें एक्सेसरीज और ऐड कर लूँगी तो ये पार्टी में जाना और अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी नेकलेस नहीं पहना है, तो नेकलेस वगैरह पहन लेंगे, चूड़ियाँ पहन लेंगे। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, सिंपल में खूबसूरत और हल्की साड़ी है। तो ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स। और भी मैंने साड़ी के वीडियोस डाले हैं, टिप्स बताती रहती हूँ, तो उसको जाके आप देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।